अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और टेक्निक से एक बार फिर। इससे पहले आगे जाए, नया प्रोजेक्ट तो नहीं है, छोटा सा काम है, LJ71 डैशबोर्ड चेंज के लिए है, स्लाइड रूफ के अंदर फॉल्ट है और एक हमें इसके अंदर एक हमें बिजनेस सीक्रेट ऑल्ट्रेशन करनी है इसके HVAC यूनिट में, जो कि इसके दूसरा डैशबोर्ड इसका ये रहा पीछे, ये क्लाइंट सप्लाइड डैशबोर्ड है हमें, और इस डैशबोर्ड का हमें साथ साथ रिपेयर भी करना है। आगे चलता हूँ बताता हूँ, चलिए इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। आगे बढ़े, मैंने कहा पहले बैठ के कुछ गप करें। तो सबसे अहम गप यह है कि हम अभी भी नोट कर रहे हैं कि हमारे पास ओवर 75% जो हमारी व्यूअरशिप है आज भी, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हम दिन ब दिन इम्प्रूव कर पा रहे हैं अपने कॉन्टेंट डिलीवरी पे और अपने काम पे भी साथ साथ, और आपको लगता है कि हम विदाउट कीपिंग एनी सीक्रेट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर कर पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों और दोस्त अहबाबों में भी काम में आ सकती है, तो प्लीज़ ये भी हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। ये फ़ोन मेरा मेरी जान कभी भी नहीं छोड़ता, ये फ़ोन बचता बेहद अहम है। और लाइटर नोट, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अभी आप लोगों ने देखा LJ71 के ऊपर हम डैशबोर्ड इंस्टॉलेशन पे जा रहे थे। हम हमेशा एडवोकेट करते हैं कि यार स्पेयर पार्ट क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट क्वालिटी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पेयर पार्ट क्वालिटी। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर द क्लाइंट, उन्होंने डैशबोर्ड खरीदा, वो खुद से लेकर आए। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ पेनी वाइज पाउंड फूलिश थिंग। वो डैशबोर्ड इतना बुरा है, आई रियली फील बैड फॉर द क्लाइंट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, जो क्लाइंट है हमारे, कि उनको इतना बिलो पार प्रोडक्ट मिला। बट देखिए, कोई भी इंसान ओवर एंड अबव कोई महंगी चीज नहीं बेच सकता, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको मार्केट कंप्लीट करनी है। लेकिन जो हमारे पास स्पेशली जब हम बात करते हैं यूज स्पेयर पार्ट्स की, जो कार पार्ट्स होते हैं यूज होते हैं, चाहे 4x4s के हो चाहे सेडान्स के, इसमें बहुत बड़ी वेरिएशन अवेलेबल है। ये वेरिएशन क्योंकि मार्केट रेगुलेटेड नहीं है, तो जब आप बात आगे यूज की तो देयर इज नो प्राइस टैग टू इट। उस सामान की क्वालिटी के उसका इंपोर्ट स्टेटस क्या है, वो इंपोर्ट हुआ कहाँ से है, आया वो इंपोर्ट हुआ भी है कि नहीं, शायद वो वेरी वेरी लाइकली वो किसी लोकली यूज गाड़ी का स्क्रैप हो। तो ये बहुत बेहद जरूरी है कि आप समझ सकें इस बात को, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो ये बात वहीं की वहीं रह जाएगी, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक बड़ा मेजर फर्क है।
अच्छा पे करेंगे, अच्छा स्पेयर पार्ट मिलेगा। और मार्क माय वर्ड, कोई जादू नहीं है अच्छा काम। किसी भी गाड़ी को अच्छा स्पेयर पार्ट लगता है तो फिर वो अच्छी वर्कमैनशिप एड्स वंडरफुल। लेकिन अच्छी वर्कमैनशिप के साथ लो क्वालिटी या बिलो पार स्पेयर पार्ट यूज करेंगे तो वर्कमैनशिप शायद उस स्पेयर पार्ट की कुछ ऐप छुपा सकेगी, कुछ फॉल्ट लाइंस को हाइड कर सकेगी, बट वो कभी भी आपको टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर सकेगा। ऐसे ही हमारे साथ भी है, हमें भी अगर अच्छा स्पेयर पार्ट मिलेगा तो हम उस पर प्रिकेरियसली काम करके उसके ऊपर बहुत एफर्ट पुट इन करके उसके ऊपर वर्कमैनशिप अच्छी लगा के और उसके ऊपर क्यूसी करके हम एक अच्छा एंड प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। एक बहुत अहम बात है, और एक बार फिर प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस वुड हेल्प अस मोटिवेट। शायद बहुत सारे लोग समझते हो कि वी आर फाइनेंशियल ग्रीडी, बट फाइनेंशियल ग्रीड नेचुरली हमको इस दुनिया में कोई भी काम करता है, तो ट्राइंग टू गेट अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड आउट ऑफ इट इन ऑल लेजिटिमेट टर्म्स, मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इससे हौसला ज़रूर बूस्ट होता है, हौसला अफजाई ज़रूर होती है, और वो हौसला अफजाई हमारे लिए हमें मजीद केपेबल करेगी कि हम आप तक बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट आपको दे सकें, अनबायस कॉन्टेंट दे सकें। हम सर्विस प्रोफेशन में भी इस बात को बहुत एडवोकेट करते हैं और अकॉर्डिंगली इधर भी करेंगे कि आई पर्सनली बिलीव इन सिनर्जाइजिंग, मतलब एनर्जीज कंबाइन करने पे मेरा जाती बिलीव है। तो अगर मैं कोई चीज मैं नहीं भी कर रहा हूँ, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट्स भी हमसे अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इस चीज की क्लैरिटी एडिशन कैसे हो सकता है, हम मजीद कैसे, सारा दारो मदार हम आपके सामने लेकर आते हैं। हम कोशिश ही है कि हम हर चीज आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें। आप गेम चेंज हम इस तरह करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप जो हमारे क्लाइंट हमारी ऑडियंस है वो एजुकेट हो जाए। अगर वो एजुकेट हो जाएगी तो फिर हमारा कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, हमें मजा आएगा काम करने में। हमारे लिए इट्स जो जैसा मैं अभी कह रहा था, मैं वो बात कंप्लीट नहीं कर सका कि जैसा आई ऑलवेज टेल एवरीवन, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आते हैं जो मैं कह रहा था वीक मैसेजेस, बिजनेस लाइन के व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, क्वेश्चंस, डिस्कशंस। वो ये बात इस बात के बियॉन्ड है कि हमसे कौन काम करवाएगा कौन नहीं करवाएगा। आइडियोलॉजी है कि जो मॉडिफिकेशन और जो ऑल्टरेशन इंडस्ट्री है इसको रिजुविनेट करें, इसका जो डूबता हुआ नाम है इसको दोबारा से अलाइव करके लेकर आए, और मुझे यकीन है आप लोग मेरा साथ देंगे इसके ऊपर। साथ साथ में एक और चीज बताऊँ, क्योंकि हमारे पास लेटली मेनली इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारी नई वीडियो कब अवेलेबल होगा, नया वीडियो कब लाइव होगा, तो मैं उसके बारे से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, एक तो पहली वाली बात कि प्लीज़ स्टिल अभी भी हमारी 75% ज़्यादा ऑडियंस जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स की है, तो आप देखने वाले अगर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक, अगर आप सब्सक्राइब बटन वेट करें तो दैट वुड ऐड वैल्यू टू अस, हमें इनकरेज करेगा, हमें मोटिवेट करेगा ये बात कि हम और ज़्यादा बेहतर कंटेंट बना के आपको शेयर कर सकते। बट वेयर एज जो लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारी नई वीडियोस कब आएंगे, तो फेसबुक सॉरी यूट्यूब जो है उसकी एल्गोरिथम्स में थोड़ा सा इस तरह का चेंज है कि हम जब वीडियोस डालते हैं उसको तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर व्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप देखेंगे उसके बराबर में ये नहीं इस साइड पे बराबर में ये बेल आइकॉन का बटन है, अगर आप उसको दबा देंगे और उसके ऊपर पर्सनलाइज या ऑल मशवरा ये होगा ऑल करें, क्योंकि बहुत मजे मजे की चीजें, प्रोजेक्ट, इनसाइट, सब कुछ हम ओपन टेबल पे लेकर आते हैं, ओपन टेबल तो नहीं ओपन स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, ओपन टेबल का तो समझो काम भूख लग रही मुझे आपस की बात है तो। लेकिन बहरहाल अगर वो आपने नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकॉन को प्रेस किया हुआ होगा, बेल एक्टिव की होगी, वो घंटी बजने का टंग टंग चाहना रहो, तो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपके स्मार्टफोन या आपके जिस भी डिवाइस पर आप यूट्यूब यूज करते हैं उसके ऊपर मिलेगी, और आप बसानी हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को इंजॉय कर सकते हो। बाकी चलते हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ फॉल्ट लाइंस क्या है, वो जो नया वाला डैशबोर्ड हम लगा रहे थे, जो 79 सीरीज का डैशबोर्ड LJ71 के अंदर लगा रहे थे, और साथ साथ हमारा जो FJ70 RKR 180 प्रोजेक्ट था उसमें 180 की माउंटिंग भी पूरी हो गई है, वो भी अभी लेते जाकर आप लोग को दिखाता हूँ। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दें, हो जाए।
ये कल्टस का फाइनल आउटलुक शेयर करता हूँ, एक मिनट। टेस्ट ड्राइव से आगे बस डिलीवरी लाइन पे कल्टस। नंबर प्लेट इसकी ब्लर करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो लोकल माइंड सेट है उसके अंदर नंबर प्लेट, एक्सीडेंट हुई भी गाड़ी, बड़े सारे प्रॉब्लम है। बट मार्क माई वर्ड, इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक्सीडेंट हो गया, दैट्स गेम, अनफॉर्चुनेट। ग्लैड एवरीवन वाज सेम सेफ, आई मीन। लेकिन इस गाड़ी में एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। एक एक लाइन, एक एक एक्यूरेसी अगर आप देखेंगे, एवरीथिंग इज बैक एंड स्पेस। ये वर्कशॉप से बाहर इसलिए है, अरेंद्र अंदर आर एफ आई घुसा हुआ है, कॉन्सोल की अलाइनमेंट्स, कॉन्सोल की फिटमेंट्स अंदर से दुरुस्त कर रहे हैं। बाकी इट्स बीन अ गुड टेस्ट ड्राइव, गाड़ी इज गुड टू गो, वी आर ऑल हैप्पी।